हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसके पहले के 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए स्क्रीन पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट गिवन है आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। थर्ड है y इज इक्वल टू 3x। एंड फोर्थ है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस तरीके से आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इनका क्या करना है, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। मींस पहले इनके कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, 1 2 3 4 5, माइनस वन, सॉरी प्लस वन, 2 3 4 5, ठीक है। इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। आपको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। मैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर समझा रही हूँ, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस x। x को हम क्या किए, RHS साइड लेकर चले गए। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, ए पॉइंट है जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। बी पॉइंट x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। ये हमने पहले इक्वेशंस के लिए देखा। आपको दो ही वैल्यू रखनी है, 0 1। आप कुछ और भी रख सकते हैं, बट 0 1 लेकर चलेंगे तो आसानी से यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएंगे, ग्राफ बड़ा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। इसको आप देखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये बन गया आपका। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू मिलेगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ तक हमने b पॉइंट लिया, अब हमें क्या करना है, c पॉइंट लेना है। कितना है, c पॉइंट है 0 माइनस 2, d पॉइंट है 1 एंड माइनस 1, ठीक है। हमने b से जो ग्राफ निकाला वो क्या निकाला, c और d का पॉइंट निकाला, 0 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 1। y इज इक्वल टू 3x, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने x 0 रखा तो y भी क्या मिल गया आपको, 0। x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर d तक था, e वाला पॉइंट हो गया आपका, e पॉइंट क्या मिल गया आपको, 0,0। एंड f पॉइंट क्या मिल गया, 1,3। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2x, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करके y की वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट किया, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 1 पुट किया, देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि ई एफ के बाद g आप देखेंगे 0,3 एंड h आप देखेंगे 1,1। इस तरीके से आपको ये टोटल 8, हर एक के लिए हमने दो दो पार्ट निकाले हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करना है इस ग्राफ पर। तो सबसे पहला है 0,4, ए के लिए क्या है, 0,4, यानी x पर 0, y पर 4। तो कहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। बी 1,3, यानी कि x पर 1, y पर 3, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, b की। ऐसे ही अब आप देखेंगे c पर, तो अगर आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,2, तो ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस इक्वेशंस को देखेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इक्वेशंस आपकी जो जाएगी वो ऐसे 4 से होते हुए निकल जाएगी। ये हो गया किसके लिए, 1 के लिए,
दूसरा सी ऑप्शन है, जीरो, एक्स पर जीरो और वाई पर माइनस टू, यानी कि सी आपको यहाँ पर मिलेगा। डी है एक्स पर वन वाई पर माइनस वन, तो डी आपको मिलेगा यहाँ पर, ये डी पॉइंट होगा, वन एंड माइनस वन। तो ये कैसा ग्राफ जाएगा, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, जब आप स्केल और पेन से ड्रॉ करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, सी और डी इरेज कर देती हूँ इसे मैं, ये मैं रफली समझा रही हूँ, आप स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो समझ आ जाएगा। ए बी हमने फर्स्ट का देख लिया, सी डी हमने सेकेंड का देख लिया, थर्ड में है जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। ई की वैल्यू मिल जाएगी, एफ की वैल्यू वन कॉमा थ्री, एक्स पर वन वाई पर थ्री, तो ये वाली वैल्यू होगी, तो ये कुछ जाएगी आपकी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो कॉमा थ्री, यानी कि एक्स पर जीरो वाई पर थ्री, ये वाली वैल्यू मिल गई, ये किसकी हो गई, जी की वैल्यू हो गई। एच की वैल्यू वन कॉमा वन, तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू वन कॉमा वन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो आप इसको बनाकर ड्रॉ करके देखेंगे, जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करिएगा और उसके बाद लाइनिंग को मिलाइएगा, आपको लीनियर मिल जाएंगे। या फिर आप इनको अलग अलग ग्राफ पर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ पर दिखाया, आप सेपरेटली सबके लिए अलग अलग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। मुझे बार बार करना पड़ता इसलिए मैंने एक बार में आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखो, आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ो, समझ आ जाएगा क्या करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू है आपकी स्क्रीन पर, देखो, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। 2,14 से लाइन पास हो रही है, इसके लिए आपको इक्वेशंस देनी है। ठीक है, राइट करना है इक्वेशंस। सेकेंड है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो पहली चीज, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, किसी भी एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन्स जा सकती हैं, तो आपको ये पता है इन्फाइनाइट लाइन्स जा सकती हैं किसी भी पॉइंट से। तो जो सेकेंड आंसर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लाइन्स, तो आप क्या बोलेंगे, इन्फाइनाइट लाइन्स कैन गो फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, क्यों, बिकॉज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिस फ्रॉम द सिंगल पॉइंट। ठीक है, बिकॉज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिस फ्रॉम द सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड का सोल्यूशन, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर टू के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया इन्फाइनाइट, इसका आंसर आ जाएगा। 2,14 से जाने वाली कोई भी इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशंस हमने एक ले लिया, x प्लस वाई कितना आनी चाहिए, x की जगह पर 2 रखो, y की जगह पर 14, तो 14 प्लस 2 कितना, 16। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशंस बना लेते हैं, 9x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर, 9 टू जा 18, 18 में से 14 गया 4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तीसरा आप देखो, 8 लिखो यहाँ पर, 8x माइनस वाई, 8 टू जा 16 माइनस 14 2। तो आपने बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से, इसीलिए कहा जाता है इन्फाइनाइट लाइन कैन पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन पास हो सकती है, इन्फाइनाइट लाइन्स बन सकती हैं। तो कोई भी आप इनमें से कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हैं, आप अपने आप से भी बना के इक्वेशंस ले सकते हैं, लेकिन जो भी इक्वेशंस लिखें एक्स और वाई की वैल्यू उसको वेरीफाई कर रही हो, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा हो, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आप इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, पॉइंट दिया है आपको 3,4, ठीक है, ये क्या कहता है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है आपको 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि पॉइंट दे रखा है जो कि लाई करता है ग्राफ 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सेवन पर, तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपली बात है कि ये पॉइंट है तो ये x और y की वैल्यू गिवेन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 गिवेन है। इन्हीं वैल्यूज को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। 3 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है 4 है, a इंटू x की वैल्यू है 3 प्लस 7, 4 3 जा 12 प्लस 7 आप इस साइड लेके आएंगे माइनस 7 इज इक्वल टू ए इंटू 3, 12 में से 7 का कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, x और y की वैल्यू दे रखी, मीन्स एक पॉइंट दिया है तो पॉइंट का मतलब हो गया x और y की वैल्यू गिवेन है, उसी वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करें और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप उसका आंसर्स को फाइंड आउट कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन नंबर फोर। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लो, डिस्टेंस लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स मान लो। ठीक है, और क्या मानना है, फेयर मानना है, टोटल फेयर वाई रूपी मान लो आप। ठीक है, वाई रूपी और ये एक्स किलोमीटर में मान लो। तो अब क्वेश्चंस पढ़ो, देखो क्वेश्चंस पढ़ो आप समझो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए रूपी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 रुपीज लग रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज लगा, उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर जो रिमेनिंग बच रहा है उसके लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y, ये दे रखा जो हमने लेट कर लिया, राइट अ लीनियर इक्वेशंस फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ ए ग्राफ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशंस को लिखना है और आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप इसका इक्वेशंस करें, टोटल फेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर की बात करें तो कितना है, 8 गिवन है, रिमेनिंग डिस्टेंस की बात करें तो कितना है, x माइनस 1 है, और इसमें कितना फेयर लग रहा है, 5 लग रहा है। ठीक है, टोटल फेयर हमने क्या माना है, वाई, तो सॉल्व करो, वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 5x, 8 में से 5 गया 3, तो 8x प्लस 5, सॉरी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपको मिल गया लीनियर इक्वेशंस, जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया है उसके लिए लीनियर इक्वेशंस मिल गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5x प्लस 3, तो एक बार पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, समझ आ रहा है, x इज इक्वल टू 4, चलो हम 4 तक सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 टू जा 3, 5 टू जा 10 प्लस 3 13, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 थ्री जा 15 प्लस 3 18, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई x और y की। x का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया यहाँ पर, 0, 3, इसके लिए 1, 8, 2, 13, 3, 18, ठीक
ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी कि सॉल्यूशंस आपको ये मिल गया है, आपने वैल्यू रखी एक्स की, आपको वाई की वैल्यू मिल गई, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लीनियर इक्वेशंस वाई इज इक्वल टू 5x + 3 मिल गया, उसके सॉल्यूशंस मिल गए। आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ग्राफ पर इसको हम मान लेते हैं पॉइंट को ए बी सी डी, ठीक है। इसे नोट कर लिया आपने, नहीं नोट किया तो आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं। मैक्सिमम 18 तक है, इसलिए हमने 18 तक ले लिया, ठीक है। इतना हमें रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 0, 3 यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया a पर, दूसरा 1, 8 यानी कि x 1 पर है, y 8 पर है, तो ये मिलेगा आपको 1, 8 यानी कि b मिल गया। थर्ड है 2, 13 2 से 13 पर, ये हो गया C 2, 13 के लिए। D है आपका 3, 18। तो इस तरीके से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एक लीनियर इक्वेशन जाएगी, आप बनाकर देख लेना, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगी ग्राफ में। तो आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1-4 करते हैं, रिमेनिंग 5, 6, 7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।